हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब के घरों में खुशियों नेमतों के साथ, बरकत के साथ, खुशहाली के साथ हर चीज़ अता करे हमें, आमीन। तो देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। आज की वीडियो का हम आगाज़ करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोग को बताया था कि हम लोग जो हैं वो अब स्विमिंग पूल का जो सेक्शन है वो कंप्लीट कर चुके हैं फाइनली। तो अब हम आ गए हैं, हमारे बच्चे बाहर, और अब हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं राइड्स लेने का। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आप लोग ने, बहरिया टाउन एडवेंचर पार्क में। अब आप लोग जब स्विमिंग पूल से थक जाएं तो आप लोग लें 3000 के अंदर अनलिमिटेड राइड्स। जी हाँ, अब मैं आप लोग को एक एक करके दिखाऊंगी कि हमारे बच्चों ने कौन कौन सी राइड ली। मैं ये बोलूंगी कि कौन कौन सी राइड्स नहीं ली, अल्हम्दुलिल्लाह ऑल राइड्स ली मेरे बच्चों। बच्चों की एक्साइटमेंट तो आप लोग सब देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अभी अलियाना और जावियान जो है वो खेलने में लगे हुए हैं, क्योंकि बाबा जो हैं वो कार में सामान रखने गए हैं। तो हम लोग वेट कर रहे हैं बाबा का, कि बाबा आते हैं तो फिर हम जाते हैं, थोड़ी सी चाय वगैरह पीते हैं और फिर थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह खाकर हम लोग जो है वो राइड्स पे जाएंगे। आप लोग को वो दिखा रहे हैं, वहाँ पे सारी राइड्स हैं, वो देखें सारी उस तरफ राइड्स हैं। हम आपको दिखाते हैं भी चलकर, आप लोग हमारे साथ रहें। अगर आप लोग अपने बच्चों के साथ कोई भी ऐसा प्लान कर रहे हैं पिकनिक के लिए, तो आई मस्ट से आई विल हाईली रिकमेंड बैरी एडवेंचर पार्क। अगर आपकी एक छोटी सी फैमिली है तो आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है। पर हेड जो है 3000 है यहाँ पर, और आप लोग यहाँ पर स्विमिंग दोपहर 3 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक आपको स्विमिंग पूल से कोई भी नहीं निकाल सकता। जी हाँ, बिल्कुल नॉर्मल वाटर पार्क्स में जो टाइमिंग होते हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होते हैं, बट इन बैरियर टाउन ये यहाँ पर ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं है। यहाँ पर आप 3 बजे पानी में जाएं और आप रात के 11 बजे भी आपको 11 बजे तक आपको कोई नहीं निकालेगा। जी हाँ, उसके बाद अगर आप, क्योंकि जाहिर सी बात है लोग पानी में इतना नहीं जाते, थोड़ा बहुत चले जाते हैं, तो आप लोग अगर पानी से थक गए हैं तो आप लोग जो है वो राइड्स एक्सप्लोर करें। जी हाँ, अब हम लोग जाएंगे राइड्स पे और हम आपको एक एक राइड्स दिखाएंगे कि वहाँ पर 3000 में आपको कौन कौन सी राइड्स यहाँ पर मिलेंगी। चलें आप लोग हमारे साथ चलें और वीडियो पूरी देखिएगा। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं यहाँ पर, बोटिंग वगैरह की तरफ आ गए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि थ्री या फोर बोट्स हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आप आराम से, आपकी बारी लगेगी तो आप यहाँ पर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। खैर, मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे ने की थी, हम लोग ने नहीं की थी क्योंकि ऑलरेडी हमें देर हो रही थी, तो हमने कहा बस जल्दी जल्दी हम सारे राइड्स देते हैं। तो इस वजह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक बेहतरीन ऑप्शन है आपको 3000 के अंदर, कि आप अनलिमिटेड बोटिंग लें। आप जितनी दफ़ा भी बोटिंग लेना चाहें आप यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इन्वायरमेंट इज़ सो प्लेजेंट एंड सो पीसफुल, एंड आप देख रहे हैं सफाई का तो माशाल्लाह से कोई, मतलब कोई नेमो बदल नहीं, मतलब बहुत ज़बरदस्त सफाई है यहाँ पर। मैं देखकर आई वाज वेरी शॉक्ड कि मतलब मुझे कहीं पर भी ऐसा कोई कचरा नज़र नहीं आ रहा था। अनटाइटीनेस जो है वो कहीं भी नहीं थी, इवन वॉशरूम्स आर वेरी क्लीन, हर चीज़ नीट एंड टाइटी थी, कि लोग यहाँ पर लेटे हुए भी थे गार्डन में। तो अब जैसे देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट इज़ सो प्लेजेंट, तो अब हम जा रहे हैं अपनी राइड्स की तरफ। तो अब हम यहाँ पर ट्रेन की तरफ आए हैं, अब बच्चों को पहले हम यहाँ पर राइड्स दिलवाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी राइड्स हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम राइड्स की तरफ आ गए हैं। मेरे हस्बैंड जो है वो मुझे बार बार बोल रहे हैं कि चलो मेरे साथ चलो, हम सब बैठते हैं, लेकिन मुझे चक्कर आते हैं, बच्चों की मम्मा को चक्कर आते हैं। तो मैंने बहुत कम राइड्स ली हैं, बच्चों और मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा लिए हैं। तो मैं बस सिर्फ वीडियोस बना रही थी, मैंने सिर्फ हार्डली 2 या 3 मैं झूलों पर बैठी हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब ये लोग अपनी बारी का वेट कर रहे हैं, ये बच्चों का झूला है, तो इसमें बच्चे अभी जाएंगे और इंजॉय करेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि ट्रेन बस चलने वाली है, थोड़ी देर में बच्चे फुल हो जाते हैं तो फिर बस ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आलियान अलग बैठा था और आइजल अलग बैठी थी, बट जावियान जो है वो डरपोक है, वो बस सिर्फ बाहर से सबको देख रहा था। तो हम वेट कर रहे हैं ट्रेन चलने का। तो फाइनली हमारी ट्रेन चल चुकी है, पहले आलियान बैठे, आलियान बहुत एक्साइटेड थे ट्रेन में बैठकर, इवन ख़त्म हो गई तो उसके बाद भी कह रहे थे कि मुझे और बैठना है, बट हमने उसको यही बोला कि बेटा अगर इसी में आप अपना टाइम ज़ाया करोगे तो आप आगे वाली राइड्स कैसे लोगे। तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, मतलब आई मस्ट है कि आप बेहतरीन जगह है ये आपकी पूरी, अगर आप पूरा दिन फन करना चाहते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ, तो दिस इज़ अ वेरी वेरी नाइस प्लेस फॉर विजिट। अब हमारी आइजल बैठ गई है, आइजल भी बहुत एक्साइटेड है, और वो तो बल्कि आइजल तो जब आइजल की बारी नहीं आ रही थी तो आइजल तो रोना शुरू हो गई थी मेरी बारी नहीं आ रही। तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चा, आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्त ये ट्रेन है बच्चों के हिसाब से, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा फ़न किया इधर। चलें अब हम आपको आगे की राइड्स दिखाते हैं कि आगे हमने और कौन कौन से जो राइड्स हैं वो एक्सप्लोर की। चलें आप लोग हमारे साथ रहें और वीडियो एंड तक देखिएगा, आप लोग पूरा बैरिया टाउन मेरे साथ घूमेंगे इंशाल्लाह। तो फ्रेंड फाइनली हम एक और राइड पर आ गए हैं, बच्चे इसमें बैठ गए हैं, अब बस इसको स्टार्ट का इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये स्टार्ट हो, और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं बच्चों के हिसाब से ये परफेक्ट झूला है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है, ये नॉर्मल है, बट बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। बहुत ज़बरदस्त राइड्स हैं यहाँ पर, हर तरह की राइड्स हैं, आप बहुत अच्छा यहाँ पर आएंगे तो हर चीज़ आप एक्सप्लोर ज़रूर करेगा। तो फ्रेंड्स चलो चलते हैं एन अदर राइड के लिए, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं और माशाल्लाह से बच्चे हमारे बिल्कुल भी नहीं थके, माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, मुझे मेरे पाँव में दर्द हो गया था लेकिन मेरे बच्चे माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा जो हैं वो एनर्जेटिक हैं और मतलब बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं हर चीज़ को। तो चलें हम लोग दूसरी राइड पे चलते हैं, फिर हम आपको वहाँ दिखाते हैं कि हमने वहाँ पे क्या एक्सप्लोर किया। तो फाइनली फ्रेंड्स हम ट्रेन की तरफ आ गए हैं, ये ट्रेन पूरे बैरिया टाउन बैरिया एडवेंचर लैंड में चलती है और पूरा बैरिया एडवेंचर लैंड हमें ये एक्सप्लोर करवाती है। जी हाँ, इसमें बैठकर आप पूरा बैरिया एडवेंचर लैंड जो है वो देख सकते हैं और वीडियो भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हम अपनी ट्रेन चलने का इंतज़ार कर रहे हैं, तो हम आपको इस ट्रेन के थ्रू पूरा एडवेंचर पार्क जो है वो एक्सप्लोर करवाएंगे। चलें हमारे साथ रहें। तो फाइनली हमारी ट्रेन चल चुकी है, जैसे कि आप देख रहे हैं हम ट्रेन में हैं, ये हमारा वाटर पार्क है, वाटर पार्क का सेक्शन है जहाँ पर हम लोग नहाए थे, और इसकी बैक साइड पर एक स्विमिंग पूल है बहुत बड़ा, जो कि बड़ों का है नहाने का, बच्चों का नहीं है, थोड़ा सा डीप है ये। तो हम लोग खैर यहाँ पर नहीं गए क्योंकि बच्चे हमारे साथ थे तो हम लोग वहाँ नहीं जा पाए। तो आप जैसे देख रहे हैं कि बैरी एडवेंचर लैंड की सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ पर जगह जगह बेंचेस लगी हुई हैं कि अगर आप थक जाओ तो आप बैठ सकते हो आराम से,
तो आप जैसे देख रहे हैं कि हमारी ट्रेन जा रही है और हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं एडवेंचर जो लैंड है वो पूरा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बेहतरीन जगह है, सर्विसेज बहुत ज़बरदस्त है यहाँ की, क्विक सर्विस है, सफाई भी बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पर। अब ये बैक साइड पे आ गए हैं बेहरी एडवेंचर लैंड के, आप जैसे देख रहे हैं कि पूरा पार्क हमें इससे नज़र आ रहा है। तो हस्बैंड अपनी साइड की तरफ से मूवी बना रहे थे और मैं अपनी साइड की तरफ से, और हमारे बच्चे जो है वो एकदम से शॉक्ड थे कि ये क्या पूरा पार्क हम घूम रहे हैं, लेकिन वो लोग भी बहुत फ़न कर रहे थे। तो आप लोग हमारे साथ रहें, हम आपको पूरा पार्क इसी ट्रेन के थ्रू दिखाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये बैक साइड है इस पार्क की। यह हमारा स्टेशन आ गया, लेकिन हमें जो था वो यहाँ पे नहीं उतरना था, हमें जो था वो जहाँ से हम बैठे थे वहीं पे उतरना था। तो हम लोग दोबारा इसमें बैठ गए और अब हम जहाँ पर हमारी डेस्टिनेशन है वहीं पर हम उतरेंगे और वहीं से हम आगे का कैरी ऑन करेंगे। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं, KFC है, यहाँ पर जो है पिज़्ज़ा मैक्स है, पिज़्ज़ा पॉइंट है, मतलब हर तरह के आपको ब्रांड्स मिलेंगे यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर अपने साथ कोई खाने का सामान कैरी करके भी नहीं ला रहे तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि यहाँ पर आपको फास्ट फूड से लेकर देसी फूड और चाट, गोलगप्पे, चाय, लिमका, कोल्ड ड्रिंक्स, पानी सब कुछ मिलेगा आपको यहाँ पर। यहाँ पे आपको प्रेयर रूम भी मिलेगा यहाँ पर, यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की जगह, जगह जगह पे आपको वॉशरूम्स मिलेंगे यहाँ पर, मतलब बहुत ज़्यादा जो आपकी आवाम को ज़रूरत होती है, हमारी जो बच्चों के हिसाब से, बूढ़ों के हिसाब से, जवानों के हिसाब से, ये परफेक्ट पार्क बनाया गया है। आई एम वेरी अमेज्ड के हर फैसिलिटी इस पार्क में अवेलेबल है आप सबके लिए।
फाइनली फ्रेंड्स हमारा स्टेशन आ गया है। अब हम यहीं से बैठे थे और अब हम यहीं पे उतरेंगे। अब यहाँ से अब हम आपको और राइड्स दिखाएंगे कि हमारे बच्चे जो हैं वो कौन कौन सी राइड्स पे बैठे। अब सबसे पहले हमारे बच्चे इस राइड पे गए, ये हॉर्स है, ये डबल जो पोर्शन में बना हुआ है, तो इधर इन्होंने इंजॉय किया। आप देख रहे हैं कि फैमिलीज़ भी बहुत अच्छी आई हुई थी, एलीट क्लास की फैमिलीज़ आई हुई थी सारी, और बहुत अच्छे वेल नोन लोग भी आए हुए थे यहाँ पर, हर तरह के लोग आए हुए थे। तो आप लोग हमारे साथ रहें, हम आपको आगे के भी राइड्स दिखाएंगे कि हमारे बच्चों ने कौन कौन सी राइड एक्सप्लोर की। चले हमारे साथ। तो ये जावियान का जो है वो खाने पीने का सेक्शन जो है वो 24 घंटे चलता रहता है, तो वो भी चल ही रहा है। अभी भी उन्होंने जाके अपने लिए चीज़ें ली हैं और वहाँ जाकर वो इंजॉय कर रहे हैं अपने मील को। तो फ्रेंड्स फाइनली अब हमारे बच्चे जो हैं वो कप एंड सॉसर वाले राइड पर आ गए हैं। तो अब ये लोग जाएंगे यहाँ पर और यहाँ ये इंजॉयमेंट करेंगे। आप देख रहे हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि बहुत कम ही ऐसा होता है कि कहीं भी आप जाओ वहाँ पर आप इतने किस्म के राइड्स को इंजॉय करो, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है टाइम नहीं होता, लिमिटेड शॉर्टेज टाइम होता है, लेकिन यहाँ पर टाइम की लिमिटेशन जो है वो बहुत ज़बरदस्त थी। तो हम लोग जो है वो हर तरह का इंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर इन दोनों पे बहुत ज़्यादा ही मोहब्बत आ गई थी, आलियान और आइज़ल पे। तो दोनों बहन भाई आपस में शेयरिंग भी कर रहे थे और एक दूसरे को प्यार भी कर रहे थे। तो चले फ्रेंड्स हमारे साथ चले, हम आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं कि हमने पार्क में और क्या क्या ऐसी चीज़ें, राइड्स और ऐसी क्या क्या चीज़ एक्सप्लोर की। चले हमारे साथ, हम आपको सब कुछ दिखाते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स अब हम मोस्ट फेवरेट बच्चों की जगह पर आ गए हैं। जी हाँ, यहाँ पर हम लोग आ गए हैं प्ले एरिया में बच्चों के, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक के झूले मिलेंगे, आपको गेम्स मिलेंगे, आपको जो है वो बच्चों का जो बाउंस का जो एरिया होता है वो मिलेगा, और आपको जो बच्चों का एक प्ले एरिया जो बच्चों का बनाया जाता है वो मिलेगा, वो भी आपको इन 3000 के अंदर ही यहाँ पर सब कुछ मिलेगा। चले हमारे साथ, हमारे बच्चे जो हैं वो प्ले एरिया में चले गए हैं। तो हम आपको अंदर का व्यू दिखाते हैं कि हमारे बच्चों ने कितना एंजॉय किया अंदर जाकर। चले हमारे साथ। फ्रेंड्स जैसे कि आप देख रहे हैं फाइनली अब हम अपने प्ले एरिया के अंदर आ गए हैं। बेहतरीन प्ले एरिया, सर्विस इज़ वेरी गुड और इन्वायरमेंट तो बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चों की हर जो टॉयज़ हैं वो अवेलेबल थे यहाँ पर, और बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय कर रहे हैं। ट्यूनल्स थे यहाँ पर जंपिंग की थे ट्रैक्स, यहाँ पर जो है वो स्लाइड्स थी, बच्चों ने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर जो है वो स्विंग जो है वो झूले भी लगे हुए हैं, और बहुत ज़बरदस्त जो था वो प्ले एरिया था ये। Thank you.
फाइनली फ्रेंड्स, अब हम लोग ये बड़े वाले झूले पे बैठेंगे। जहाँ पर बैठते हुए हम सबको डर लग रहा था क्योंकि ये ऊपर जाके स्टक हो जाता है, लेकिन हमने कहा चलो थोड़ा सा हम हौसला दिखा के चलते हैं और इस पे बैठते हैं। तो अब हमारी पूरी फैमिली इसमें बैठी थी तो बड़ा ही मज़ा आया था। लेकिन हम लोग को हाइट फोबिया है तो हम लोग ज़्यादा नीचे नहीं देख रहे थे, लेकिन हमारे बच्चे जो हैं वो मुसलसल नीचे देख रहे थे। चले आप लोग को दिखाते हैं कि कितनी ज़्यादा हाइट पे हम लोग ऊपर गए। चले हमारे साथ। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं हाइट पर और इधर से हमें पूरा कराची नज़र आ रहा था, लेकिन वाकई में बहुत ज़बरदस्त व्यू था। और ये बहुत ज़बरदस्त जो है वो झूला था, इधर पूरी पैक हुआ हुआ था। तो हम लोग का जो झूला है वो ख़त्म हो गया। अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ। अब हमारे साथ रहें, हम आपको आगे का पोर्शन दिखाते हैं। यहाँ पे जगह जगह बहुत अच्छे अच्छे जो है वो राइड्स लगी हुई थी और जगह जगह जो है स्टैचू बने हुए थे। अब ये देखें, ये भी एक झूला था, ट्रेन थी, लेकिन यहाँ पर हम में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई बैठने की। लेकिन आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त ट्रेन है ये, पूरा जो है वो इसका जो ट्रैक है वो कितना ज़्यादा ह्यूज है। तो इसमें हम नहीं बैठे, लेकिन आपको मैं ये वीडियो में दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, इस ट्रेन में हम बैठे थे जिसमें मैंने आपको बैठ के पूरा एडवेंचर पार्क दिखाया था। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो हमारी इधर तक ही है। अभी तो इस वीडियो में एक और जगह ऐसी बाकी है जहां पर आप सब जाकर खुश हो जाएंगे, लेकिन वो आएगा हमारा थर्ड पार्ट। जी हाँ, ये हमारा सेकंड पार्ट था बहरी एडवेंचर लैंड का। अब इंशाल्लाह थर्ड पार्ट के लिए आपको जो है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना पड़ेगा। जी हाँ, आज हमारी वीडियो यहाँ पर ख़त्म होती है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको जो है वो डायनो एडवेंचर पार्क ये वाला जो है वो दिखाऊंगी। ठीक है, जब तक के लिए आप लोग हमारी वीडियो को अगर पसंद आई है तो आप लोग प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।